नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 नशा तस्करों को किया काबू। 11 किलो हेरोइन, 4 मोबाइल किए बरामद। अमृतसर की इंदिरा कॉलोनी में गत रात्रि जमकर चली ईंट व पत्थर, चलाई गोलियां। मोगा पुलिस ने एटीएम को लूटने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को किया काबू। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, 1 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 एलपीजी गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर एसटीएफ की टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गुप्त सूचना के आधार पर रावी दरिया के रास्ते हेरोइन मंगवाने वाले 3 तस्करों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसटीएफ के एआईजी मुख्तियार राय ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान आज्ञापाल सिंह, रणजोत सिंह उर्फ राणा और संदीप सिंह उर्फ शेरा के तौर पर हुई है, जिनके पास से 11 किलोग्राम हेरोइन और 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। प्राथमिक जांच में पता चला कि इस मामले में मुख्य सरगना आरोपी आज्ञापाल सिंह है, जो कि काफी समय से पाकिस्तानी तस्करों के साथ मिलकर हेरोइन की तस्करी का धंधा कर रहा है, जिसके बॉर्डर पार पाकिस्तानी हेरोइन तस्करों के साथ संबंध है। आरोपी आज्ञापाल सिंह ने ही 6 दिन पहले रावी दरिया के माध्यम से पाकिस्तानी तस्करों के पास से हेरोइन की खेप मंगवाई थी और ये खेप रणजोत सिंह उर्फ राणा के पशुओं वाले कमरे में ईंटों का फर्श उखाड़ कर उसके नीचे दबाकर रखी थी और ये 41 पैकेट हेरोइन इनकी निशानदेही पर बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक आज्ञापाल सिंह नाँ का जिहड़ा तस्कर सीगा ते नाल उहदे 2 जने होर सीगे, एक रणजोत सिंह, एक संदीप सिंह। उन्हां नूं अरैसट करके उन्हां दे कोलों लगभग 41 किलो जिहड़ी हैरोइन रिकवर हुई आ। ते इस रिकवरी दे विच इह गल सामने आई आ कि जिहड़ा आज्ञापाल सिंह आ इह पाकिस्तानी तस्करां दे नाल अक्सर तस्करी दे विच शामिल है। इहदे ते पहलां भी एक मुकदमा दर्ज है, रणजोत सिंह दे उपर भी एक मुकदमा दर्ज है, जिहड़े कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन च जिहड़ियां गल्लां सामने आउणगियां वह तुहाडे नाल शेयर कर दित्तियां जाणगियां। जिहड़ा आज्ञापाल सिंह है इहदी पाकिस्तान तस्करां दे नाल अक्सर जिहड़े फोन दे उपर टाई अप करदा, फिर आपस दे विच प्लैन करके दरिया दे राहीं हैरोइन मंगवा लैंदे आ, फिर हैरोइन मंगवा के जिहड़ी उह लोकेशन ते रख के जांदे आ जां इह मंगवाउंदे आ उत्थों चक के फर्दर अगे सप्लाई कर दिंदे आ। किन्नी देर तों तस्करी करदे ने? लग इहदी पुछगिछ दे विच जो आया इहने 5-6 वार इहो जिहीआं खेपां मंगवाईआं सी। 41 किलो किथे मंगाई है कि सप्लाई किथे किथे करदे ने? सप्लाई देखो इह तां हुण इहदी जिहड़ी असीं पुछगिछ करांगे भई इहनां तों कौण फर्दर लै के जांदा, इह चीज़ां इन्वेस्टिगेशन दे विच आ जाणगियां। अमृतसर के झब्बाल रोड पर इंदिरा कॉलोनी में गत रात्रि जमकर ईंटें व पत्थर बरसाए गए और गोलियां भी चलाई गईं। इस दौरान पीड़ितों ने भागकर अपनी जान बचाई तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि वे अपने पारिवारिक सदस्य का जन्मदिन मना रहे थे और इस दौरान उसके साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे। इस दौरान उसे इलाके के नौजवानों का फोन आया और उसे अपने दोस्त को समझाने के लिए कहा, नहीं तो उसे व उसके दोस्त को मारने की धमकी दी गई। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि उक्त युवक का दोस्त तोता उन्हें देखकर मूंछों को ताव देता है, जिसके चलते इलाके के लगभग 7 नौजवान आए जिनके हाथों में तेजधार हथियार और पिस्तौल थी। उन्होंने आते ही उन पर पिस्तौल तान दी और धमकी देने लगे। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद उक्त नौजवानों ने हवाई फायर किया और जमकर ईंटें व पत्थर भी बरसाए, जिसके वीडियो भी उन्होंने बनाई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल वे मामले की जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद जो भी
दोषी पाया गया उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर मेरा मुकेश मकनराज है, मैं वेरकला बूथ नाले, मेरे सामने किराने की दुकान हैगी है, इतने कोई मुंडा गाई तोता उन्होंने कहन डे कि तुम मुछा मनोड़ के नोके लंघ दे जे वह खलोता मेरी दुकान लागे तो मैं मुछा मनोड़ लंघा तो की हो गया, इन्नी गल की है, इन्हें उस फार फैल करते हैं उस साढ़े दुकान से यह किया चांद है जे काशू जे विशाल जे एक इन्होंने मगर कोई तगड़ा बंदा कोई है सी ए स्टाफ का सैम की ना सू पता नहीं कौन है जे और ना लै लिया क्या कोई गल सैम साढ़े मगर बैठा आ यह गल हैगी है ए बंदे है जे सही अं पूरा इंसाफ मंगना चाहिए इंसाफ लेना चाहते हैं जी गल जे ना सही टोटल पांच फैर से हुए जे टोटल पांच फैर से हुए जे जी गल है जानी नुकसान कोई नहीं वेखो रोड का हाल वेखो ए रोड का हाल वेखो मेरा नाम काजल है सर, सर कोई गल नहीं हुई मेरा मुंडा कोठे ते जन्मदिन मनाते फोन से तुम गाला कटन लग पे फोन से इंदिरा कलोनी पता करते हैं की गल बात कोई झगड़ा होया कोई पांच चार बंदे आए हैं उन्होंने इटा रोड़े चलाए जी गोलियां तो कह रहे कन्फर्म मैं कर लगा जी इन्हें जो मूवी हैगी है तो वेख लूंगा जी कन्फर्म करके तुम दस मैं जरूर किया जाऊगा जी जेकर मैं रौंद मिलते हैं जब मूवी दसद फिर परचा दर्ज कर देंगे जी सानू की इतराज है जी नहीं मूवी दिखाएंगे परचा दर्ज नहीं होएगा इन्हें परचा जी रोड़े का परचा क्यों दर्ज होगा जी जो फायर कोई ना बंद दसणगे परचा दर्ज कर देंगे जी। मोगा पुलिस ने एटीएम को तोड़कर लूट की कोशिश करने वाले तीन लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि तीन लोग जो कि इटियोस कार में सवार होकर आए और उनके बैंक के एटीएम को तोड़कर पैसे चोरी करने की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट थाना अजीतवाल में दर्ज करवाई गई थी। इसी मामले को लेकर एसएसपी मोगा जे एलनचेलियन की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच की गई और सीसीटीवी कैमरों की मदद से तीन आरोपियों को काबू कर लिया गया, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एलपीजी गैस सिलेंडर, गैस पाइप, लोहे की कुंडी और एक बोतल वाली स्प्रे की बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर के अधीन आती विजय नगर चौकी की पुलिस ने दो लुटेरों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान साजन शुक्ला निवासी जवाहर नगर बटाला रोड अमृतसर और साहिल उर्फ छोटे लाल निवासी न्यू जवाहर नगर बटाला रोड अमृतसर के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से एक दातर और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन दोनों के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं और ये नशा करने के आदि हैं और नशे की पूर्ति के लिए लूट व चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उन्होंने उसनों दातर ने डराया, दातर का वार भी किया, इस तो बाद उन्होंने उत्तों मोटरसाइकिल लेके फरार हो गए। जो असी अलग अलग पहलुओं तो इस चीज़ की जांच की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो साढ़े को काफ़ी ह्यूमन इंटेलीजेंस भी आई, बाकी टेक्निकल माहिर की मदद के नाल साड़ी टीम ने 24 घंटे के इस मुकदमे जे जो असल दोषी से उन्होंने ट्रेस कर लिया, जिस जो पहला दोषी है ट्रेस करने तो बाद सूँ एक दिन होर लगन अरैसट कर, जो पहला दोषी है जिसका नाम हैगा साजन शुक्ला जो कि साढ़े बटाला रोड का रहन वाला वा, जिसनों असी 48 घंटे के अरैसट कर लिया। इस कोलों जो खो किया गया मोटरसाइकिल तो दातर दोनों चीज़ें बरामद कर लिया ने। इस तो अलावा इस कहन से जो दूसरा दोषी जिसका नाम साहिल है जो कि बंके भैरी गली का रहन वाला वा, सो इन दोनों दोषियों ने हमला होकर दातर का प्रयोग करके सो परिवार किया, जिस तो बाद असी इन दोनों दोषियों अधीनता रा 379B2
इस तो अलावा 34 IPC तहत इन्हों अरैसट करके अज अदालत के पेश किया वा तो दोनों को जो खोजशुदा मोटरसाइकिल से वह भी बरामद किया वा तो दूसरा जिस दातर नाल मदई ते वार किया गया सी वह भी असीं उन्हां कोलों बरामद कर लिया। दोनों दोषियों अज मान्यो कोर्ट च पेश किया सीगा ते इन्हों दा सानू अगे कोई रिमांड नहीं मिलेगा बाकी इन्हों अज जेल विच असीं भेज दिता जी। पहाड़ों में हो रही लगातार तेज बारिश की वजह से जहां पूरे पंजाब में कई जगहों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, वहीं गत रात्रि हुई तेज बारिश की वजह से पठानकोट सिविल अस्पताल में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली। आलम यह था कि बरसात का पानी सिविल अस्पताल के वार्डों में चला गया, जिस वजह से अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को पहली मंजिल पर शिफ्ट करना पड़ा। इस समय स्थिति नियंत्रण में है और अस्पताल में सफाई का काम जोरों से चल रहा है। गौरतलब रहे कि सिर्फ सिविल अस्पताल में ही पानी नजर नहीं आ रहा बल्कि अस्पताल के सामने से गुजर रही पूरी सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने कहा कि अचानक रात को अस्पताल में पानी भर आया, जिस कारण काफी दिक्कत हुई। वहीं SMO ने कहा कि मरीजों को पहली मंजिल में शिफ्ट करवा दिया गया है। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। आज जड़ी रात को बरसात हुई है, वो बहुत भारी बरसात हुई है कि सिविल हॉस्पिटल दे पूरे पासे आगे पीछे पूरा पानी ही पानी हो गया, जिदे कारण लोगों को बड़ी परेशानी हुई और जड़ा स्टाफ ड्यूटी ते ही उन्होंने जड़े थले वाले डिपार्टमेंट ही जिन्हें भी मरीज ही सारे उपरले पासे शिफ्ट करते हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अमृतसर शहरी से अकाली दल के प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का की माता की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए अमृतसर पहुंचे। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल, विरसा सिंह बल्टोहा, अनिल जोशी, तलबीर सिंह गिल और बाकी की लीडरशिप ने गुरुद्वारा छठी पातशाही रंजीत अवेन्यू में अंतिम अरदास में शामिल होकर श्रद्धा सुमन भेंट किए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब भाजपा युवा मोर्चा की ओर से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर देश के मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा साहिबों में प्रार्थना की गई, जिसके चलते अमृतसर में भी जिला भाजपा युवा मोर्चा के उपप्रधान गौतम अरोड़ा ने अपने साथियों के साथ सड़कों पर हाथों में बैनर पकड़कर भगवान के आगे प्रार्थना की ताकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की राह पर चल रहा है। पिछली सरकारों ने तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चंद्रमा तक पहुंच बना रहा है और इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता रंग लाएगी, इसीलिए दुर्गयाना मंदिर में प्रार्थना की गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 12वीं सदी के महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी का 850वें आगमन पर्व फरीदकोट की बाबा फरीद सोसाइटी की ओर से मुख्य सेवादार इंद्रजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते बाबा फरीद सोसाइटी की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर सोसाइटी के मुख्य सेवादार इंद्रजीत सिंह खालसा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद के सेवादार डॉक्टर गुरिंदर मोहन सिंह पर विश्वास जताते हुए बाबा फरीद जी का आगमन पर्व मनाने का फैसला लिया गया, जिसके चलते गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद और गुरुद्वारा गोदड़ी साहिब के सौंदर्यीकरण के लिए गुरुद्वारा साहिब के दरबार हॉल और आसपास को पेंट करने और साफ सफाई का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में संगर के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि देश विदेश से आने वाली संगत को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और संगत गुरु घर में नतमस्तक होकर बाबा शेख फरीद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बाबा फरीद सोसाइटी वालों पिछले 50 सालों तो यह मेला मनाया जा रहा, सर इंद्रजीत सिंह खालसा जी की सरप्रस्ती हेठ मनाया जाता, इन्होंने शुरुआत की सी। इन्होंने मेरी लगन देख के, मेरी मेहनत देख के, मेरा ईमानदारी देख के इस बार फिर इन्होंने मैनू मौका दिता, मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ।
तो बहुत ही इज्जत करता इन्हां दी। इन्हां ने इस बार भी इन्हां दी सरप्रस्ती हेठ ही मनाया जाना है। इस बार खासियत यह है कि इस बार बाबा फरीद साहब जी का 850वां साल मनाया जाना है। बाबा फरीद जन्म शताब्दी 850 साल मनाई जानी है, वो असी उसनू समर्पित कर रहे हैं। इस बार का जो आगमन पुरब है असी उसनू समर्पित करने जा रहे हैं। इस विच हर साल असी दो अवार्ड दिते जाते सन, वो असी एक बाबा फरीद अवार्ड फॉर ऑनेस्टी वो असी उन्हें खत्म कर दिता, अज तो बाद खत्म करता क्योंकि ईमानदारी लभना बहुत औखा सीगा। इस करके कमेटी ने फैसला किया कि उन्होंने खत्म करके जिहड़ा भगत पूरन सिंह अवार्ड से वह नाम बाबा फरीद फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी किया गया। वो वास्ते असी अर्जियां मंग रहे हैं सारे पंजाब तो पंजाब वास्ते। जे कोई भी शख्स देना चाहता है, दो बंदे पंजाबी कोई उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं या कोई संस्था दे सकते, संस्था भी अवार्ड मिल सकता है। स्वास्थ्य और रंगला पंजाब के निर्माण और राज्य को खेलों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों और खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर की अगुवाई में शुरू की गई खेड़ा वतन पंजाब दिया सीजन 2 के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मशाल मार्च फिरोजपुर शहर में पहुँचा, जहाँ पर फिरोजपुर शहरी से विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, देहात विधायक रजनीश दहिया, विधायक गुरु हर सहाय, फौजा सिंह सरारी और डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, रजनीश दहिया, फौजा सिंह सरारी ने सभी खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और कोच का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब के बच्चों और नौजवानों को खेलों से जोड़कर स्वास्थ्य और रंगला पंजाब की सृजना की जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से पिछले वर्ष शुरू की गई खेड़ा वतन पंजाब दिया को पूरा समर्थन मिला था, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि ये मशाल मार्च फिरोजपुर से शुरू किया गया है, जिसे हरी झंडी दिखाकर तरन तारण जिले के लिए रवाना किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल जी, खेड़ा वतन पंजाब दिया साडे हरमन प्यारे माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना दी सरकार दे विच पहले साल शुरू कीतियां गईयां सी, जिंदे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच बच्चियां ने, स्पोर्ट्समैन ने, हर एज दे लोकां ने पार्टिसिपेट कीता सी। और जद पहलियां खेड़ां वतन पंजाब दियां होईयां, साडे लई माण वाली गल आ कि उदों साडे स्पोर्ट्स डायरैक्टर साडे डीसी साहब सी और बहुत वधिया कारगुजारी नाल पिछले साल ये होईयां। और इस साल असी ये समझते हैं भी अगे नालों ज़्यादा 35-40% होर लोग इन्हां खेडां दे विच पार्टिसिपेट करनगे और पूरे पंजाब दे विच सरदार भगवंत सिंह मान होना दी हर पिंड विच खेड मैदान जिहड़ी उन्होंने शुरुआत की आ उस महम नूं हलारा मिलेगा। और मान साहब दे इस संकल्प दे नाल जिथे पंजाब नशियां तों रहित होएगा और स्पोर्ट्स दे विच वड्डियां मल्लां मारेगा, वो दिन दूर नहीं कि जदों पंजाब फिर दोबारा इंटरनेशनल खिलाड़ी वड्डी गिनती विच पैदा करेगा और नैशनल खिलाड़ी जिहड़े वो पैदा करेगा। सो खेड़ां वतन पंजाब दियां दी अज मशाल जिहड़ी लुधियाणा तों चली सी और हुण साडे फिरोजपुर शहीदां दे शहर विच पहुंची आ। टॉर्च मशाल हैगी है अज खेड़ां वतन पंजाब दे जिहड़ा सुनेहा लेके साडे फिरोजपुर विच आई है। असी सारे खेड प्रेमियों का ते जिहड़े मशाल दे नाल खिडारी जा रहे ने उन्हां सारयां दा स्वागत करदे हां, जी आयां नूं आखदे हां। ते इसदा यही सारे जिहड़े अपील है साडे लोकां नूं, चाहे वह बच्चे ने, चाहे जवान ने, चाहे बजुर्ग ने, भी वध तों वध खेडां च पार्टीसपेट कर। इहदे च ब्लॉक लैवल तों लैके फिर डिस्ट्रिक्ट लैवल ते स्टेट लैवल तक इहदे पार्टीसपेशन होएगी ते खिडारियां नूं कैश इनाम भी जितते जाणगे, जिहड़ा नंबर एक त्यार नूं 10,000 रुपया ते दूजे नंबर नूं 7,000 रुपया ते फिर 5,000 रुपया उन्हें इनाम दिता जाएगा। इसलिए ये जिहड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैगी है, बच्चों नूं पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो साडे जिहड़े देश दी जिहड़ी नींह हैगी है वो ये बच्चों नाल ही रखी जानी है। तंदुरुस्त बच्चे ही तंदुरुस्त देश की उसारी कर सकते हैं।
भारत विकास परिषद फिरोजपुर छावनी द्वारा भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना एवं विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल फिरोजपुर के सहयोग से निःशुल्क बनावटी अंगदान शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 30 जरूरतमंद व्यक्तियों का निरीक्षण किया गया, जिसमें विशेष तौर पर हाथ और पाँव के बनावटी अंग एवं श्रवण यंत्रों के मरीज पहुँचे। परिषद के सचिव नरेश गोयल द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्तियों के बनावटी अंग 26 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 9 बजे विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल में ही वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर परिषद के सरपरस्त प्रोफेसर ललित मोहन गोयल, प्रकल्प प्रभारी अरुण चारिया, विशाल सिंगला, ब्रजमोहन गर्ग, अरविंद गर्ग मौजूद थे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ये जो कैंप है भारत का परिषद फिरोजपुर छावनी और भारत विकास परिषद लुधियाना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल के अंदर लगाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब्स दिए जाएंगे। किसी के हाथ, किसी के पैर या कोई भी और अंग जो काम नहीं कर रहा वो यहाँ पर फ्री उनका आज पेमाइश की जा रही है और 26 तारीख को वो अंग वितरण किए जाएंगे। किसी को सुनने की प्रॉब्लम है तो उसकी भी मशीनें और उसका जो कार्य है वो यहाँ पर हो रहा है। भारत विकास परिषद की तरफ से ऐसे कैंप साल में या 2 साल में बार बार लगते रहते हैं, जिसमें कि ज़रूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब्स दिए जाते हैं। जो कि ये कैंप हमने पिछले दिनों शीतला माता मंदिर में लगाया था, जहाँ पर हमने 50 के करीब लिम्ब्स बांटे थे, जो लोग आज सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो 30 लिम्ब्स बांटने का है। हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गांव में एक ही गुरुद्वारा साहिब है, एक ही मस्जिद है, एक ही शमशान घाट है। उस गांव का नाम है खेड़ी जट्टा। जिला संगरूर के हल्का धूरी में यह गांव पड़ता है। इस गांव के लोगों का कहना है कि गांव में सभी के लिए एक ही गुरुद्वारा साहिब है, एक ही शमशान घाट है। गाँव वासियों का कहना है कि इस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहीं अगर इस गांव की सुविधाओं की बात करें तो इस गांव में तकरीबन 24 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इस गाँव की सारी गलियाँ पक्की हैं। यही वजह है कि इस बात के चर्चे दूर दूर तक है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी की चरण सौ प्राप्त गुरु घर है जी, पिंड है। गुरु नानक देव जी की अपार कृपा है, जिहड़ी नाल असीं इक सारा कुछ कर रहे हैं। इक करके असीं उस करके सारा कुछ इक हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा जी एक ओंकार, एक ओंकार दे उस ते सारा कुछ इक है जी साढ़े। की वजह मनते हो भी सारी इस पिंड दे विच एक खासियत है कि जात पात तो उत्ते उठ के थोड़े वालों ये पिंड वाले वालों काम किया गया? जात पात तो जी ये है, सारे ये नाल ने साडे वर्ग रमदास जी ने, साडे सैसी भी ने, सारे धर्म ने, मुसलमान भी ने जी, ते होर फकीर भी ने, सारे साडे नाल तुरदे ने हरेक काम नूं जी। असीं उहनां नाल तुरदे हां, उस करके सारा पिंड एक जगह पर ढुकदा सारा। शमशान घाट की जो गल करी तो शमशान घाट भी इको है, की कहना चाहते हो? शमशान घाट भी इको है जी। शमशान घाट पहला 3 होंगे सीगे जी, 4 होंगे सी, वह भी सारे कल कल चक के लिया के असी ने इन्हों एक थावे कर ले। सारा एक लोग जगह एक जगह जाते हैं, सारे लोग एक थावी जाके सुआही हो जानी है जी, बाद होना है। पिंड दे विच साडे बड़ी सांझीवालता दा जिहड़ी प्रतीक हैगा, इह चीज़ शुरू तो देखी गई है कि जो पिछलियां पंचायतां सी उन्हां दा काम कार करिया, और जो साडी पंचायत बनी 2018 दे विच उहदे विच भी बहुत ज़्यादा काम होए इदां दे डिवेलपमेंट दे, जिहदे करके पिंड दे विच किसी भी काम नूं लैके कोई रुकावट नहीं बनी हैगी अज तक। जो भी काम दे लई किसी भी चीज़ लई प्रपोजल दित्ती जांदी हैगी जां मता पाया जांदा हैगा वह पूरा कीता जांदा हैगा। पिंड दी गल करिए, कीड़ी कीड़ी सहूलतां पिंड दे विच ने? पिंड दे विच साडे अपने स्टेडियम बनिया होयागा, हैल्थ जिम बनी हुई हैगी और 2 पार्क बने हुए हैगे, एक लेडीज़ लई अलग आ, जेंट्स लई अलग हैगा। उस तो बाद सुविधा केंद्र बनिया होयागा और नरेगा भवन बनिया होयागा, ते साडे अपना 24 CCTV कैमरे लगे हुए हैगे, और जिन्ने भी पिंड दे विच तुहानू कोई कच्ची जगह नहीं मिलेगी, और सारे ही गलियां दे विच लॉकेट पाई गई हैगी। पिंड दे जो बस अड्डे ने, जो स्टॉपेज बनाए गए ने, वह भी पूरे नवे बनाए गए ने, और पिंड दे विच एक ट्रीटमेंट प्लांट लग्या होया वाटर दा, जो अपना गंदा पानी जांदा हैगा घरां दे विचों, उस दे उपर असीं पंचायती राज थ्रू जिहड़े कि उत्थे टोबियां दी उसारी करवाई गई हैगी। सावन माह के उपलक्ष्य में एवं नाग पंचमी के अवसर पर शिव मंदिर किशनपुरा शमशान घाट में महारुद्राभिषेक
किया गया, जिसमें ज्योति चड्डा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर महारुद्राभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तों ने जय महाकाल के जय घोष लगाकर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस दौरान ज्योति चड्डा परिवार की ओर से लंगर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पीयूष चड्डा, कृष्णा चड्डा, पारस, लविश सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हर हर महादेव। सतमा असी रुद्र अभिषेक कर रहे हैं अपना शिवपुरी मंदिर के विच, किशनपुरा चौंक के विच। बस परमात्मा के आशीर्वाद के सहयोग के नाल सारे भैन भरा सारे बड़े आए दे ने। बस यही जानना कि परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा सारे उत्ते महादेव का बनया रहे ते सारे की प्रगति तो उन्नति उनके काम काज च होए। बस यही कामना कर रहे हैं। शिव आनंद शिव कृपानंद महाकाल भूमि 21 जुलाई तो लगातार रुद्राभिषेक चल रहे हैं। अगों भी महाकाल जी की कृपा नाल लगातार चलते रहेंगे। सारे शहर वासियों को निवेदन है कि पहुँचो, दर्शन करके आशीर्वाद लो महाकाल जी का। जालंधर छावनी के अधीन आते दीपनगर भींगा रोड, हंसे वाली गली और अरमानपुर रोड कॉन्वेंट स्कूल के पीछे सीवरेज जाम की व्यवस्था से लोग काफ़ी परेशान थे, जिसके चलते इलाकावासियों ने प्रसिद्ध समाज सेवक एवं आप नेता अजय कुमार पीवल को इस समस्या संबंधी अवगत करवाया, जिसके बाद अजय कुमार पीवल ने मौके पर पहुंचकर दोनों जगहों पर सीवरेज की सफाई करवाकर उनकी समस्या का हल करवाया। इस मौके पर ज्योति, सुखविंदर, सुखा, जसबीर सहित अन्य इलाकावासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज सीवरेज की प्रॉब्लम हमारे बहुत ज़्यादा आ गई थी बहुत ब्लॉक में, जिसमें रमानपुर रोड कॉन्वेंट स्कूल के बैक साइड प्रॉब्लम थी और भींगा रोड पे ज्योति जी की कंप्लेंट आई थी। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम पहल के दायर पे पहले भींगा रोड पे जाके इस प्रॉब्लम को हल किया हमने ज्योति जी के। वहाँ जो प्रॉब्लम थी गली के अंदर सारा ब्लॉक पड़ा था, देखा हमने, फिर अपनी टीम लेके गए, उस मसले को हल कराया गया। उसके बाद हमने कॉन्वेंट स्कूल गए, फिर वहाँ प्रॉब्लम को हल कराया गया। आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, भक्तमान की सरकार में सब कुछ फ्री है, ये बात सच्चाई है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण दवाइयों का है, जिसके मसले में आम आदमी क्लिनिक हर एक जगह खुल गई है। और एक उपराला बहुत अच्छा उन्होंने किया है जो है आपकी पेंशन का, जैसे किसी बहन भाई को पेंशन लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था कि जिसका किराया ही 100-200 रुपये आने जाने में लग जाता, अब आपके घर नज़दीक किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाओ, अपनी पेंशन वहीं से ले आओ, आपने एक पैसा भी नहीं देना। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सावन अष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए माँ चिंतपूर्णी और चामुंडा धाम पर लगे माँ भक्तों की तरफ से विशाल लंगर लगाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में सावन माह के अवसर पर हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में चल रहे सावन मेले में बिट्टू शहरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से चौहाल डैम नज़दीक लंगर लगाया गया, जिसमें बिट्टू वरिंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, इंदर सिंह, सुनी सिंह, छन्न सिंह ने शामिल होकर अपना विशेष योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। चिंतपूर्णी सेवा दल बहादुर नगर की तरफ से सावन अष्टमी के उपलक्ष्य में चल रहे मेले के दौरान चौहाल डैम के नज़दीक विशाल लंगर लगाया गया। इस अवसर पर दविंदर नाथ, चंद्रशेखर केवल, कृष्ण, सुरेंद्र शर्मा, गोविंद शर्मा ने उपस्थित होकर ये लंगर भक्तों में वितरित किया। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। चिंतपूर्णी सेवा दल बहादुरपुर हुशियारपुर सारे बहादुरपुर के सहयोग अभी 40 साल तो इतने लंगर लगा रहे हैं और लोगों के इन्ना उत्साह मैं नहीं कभी देखा जिन्ना इस साल इन्ना उत्साह वा लोगों के लोग लहना च खलो के आप सेवा नाल कर रहे हैं, नाल लंगर खा रहे हैं और जगारे नाल माता रानी के जय दे बोल रहे हैं। मंदिर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ बस्ती गुजा जालंधर की तरफ से सावन अष्टमी के उपलक्ष्य में चल रहे मेले के दौरान चौहाल डैम के नज़दीक विशाल लंगर लगाया गया। इस दौरान सोनू वर्मा, शैली मोगला, राममूर्ति, अरुण अग्रवाल और प्रवेश ने शामिल होकर लंगर भक्तों में वितरित करने की सेवा निभाई। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। और माँ का पावन मेला चल रहा है, सन 2023 का मेला चल रहा है क्योंकि सन 2023 इदा का मेला कोविड तो बाद पहली बार इन्ना रश माँ के पावन मेले पै रहा है और अज साडे को सारिया संगत पहुंची है। अज प्रवेश भारद्वाज जी पहुंचे, चिप्स लैके गुमर परिवार पहुंचे, चिप्स लैके उन्होंने लंगर लगाया और इतने 17 तरीक तो लैके 25 तरीक तक महामाई के दरबार के उत्ते चौहाल डैम से बाबा बालकनाथ मंदिर जलंधर वालों 24 घंटे लंगर भंडारा चल रहा है, जिसके फ्री मैडिकल कैंप सिविल होस्पिटल हुशियारपुर वालों का जो 24 घंटे साडे को डॉक्टरों की टीम 8-8 घंटे ड्यूटी करके सारी रात दिन साडे नाल साडे को इत्थे लंगर भंडारे से बहिंदे ने और साडे भी जिन्ने हलवाई ने रात दिन काम करते हैं, जिन्ने भी सेवादार ने रात दिन काम करते हैं, साडे बाऊ जी श्री शीतल सिंह जी का आशीर्वाद है क्योंकि देवी तलाब मंदिर के नाल दिलबाग नगर मंदिर का नाम जुड़िया है, नाम की एक प्रेम जुड़िया है। साडे बाऊ जी श्री शीतल गर्ग जी और साडे बाऊ जी श्री राममूर्ति ठाकुर जी, अरुण देव अग्रवाल जी, शैली मोगला जी और मैं तुहाडा दास सोनू वर्मा मेले दियां सारयां नूं वधाईयां दिंदा। मेले पर आओ, मेले दियां रौनकां वधाओ क्योंकि माँ सब दियां झोलियां भरदी है, माँ चिंतपूर्णी क्योंकि कल परसों संगतां आई जांदियां, मत्था टेकी जांदियां, घरां नूं जाई जांदियां और 25 तरीक तक जब तक नौमी नहीं हुंदी तद तक 24 घंटे लंगर दिलबाग नगर वालियां दा चौहाल डैम टैंकी दे बिल्कुल सामने रात दिन चलिया। और इस बार लंगर दे विच कई फैसिलिटियां मंदिर ने दित्तियां, जिदां लाइव चाह जिदा भी किसी ने पीनी है उदा की चाह साडे सरदार जी बना के देंगे ने जो भंडारे तो आए हैं, और भी कई काम जो दिलबाग नगर मंदिर ने इतने कहते हैं शटरिंग की है, शटरिंग की नहीं आवे कोई दिक्कत ना हो किसी यात्री को। CHC हाट वडाला होशियारपुर की तरफ से सावन माह के अवसर पर चल रहे मेले के दौरान चौहाल डैम नज़दीक भक्तों की सुविधा हेतु मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, लखबीर चंद, डॉक्टर सुमित पाल कौर ने उपस्थित होकर अपनी टीम के साथ लोगों का चेकअप कर निःशुल्क दवाइयां प्रदान की। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। माता चिंतपूर्णी सेवा सैटी लुधियाना हर महीने जेठे आतवार पिछले 36 साल तो लगातार इसी जगह पर भंडारा सेवा चलता है। सावन के मेले के
तीसरे नराते से लैके अष्टमी तक छेवें नराते महामारी की चौंकी होंगी है। ये सारे आयोजन लुधियाने के भगत जन के सहयोग के नाल मैंबर के सहयोग के नाल आते जाते रही सहयोग के नाल चलता है। जय मां नवयुवक चिंतपुर्णी लंगर कमेटी जालंधर बस्ती गुजा की तरफ से सावन माह के मेलों के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश मां चिंतपुर्णी के मार्ग पर लंगर लगाया गया। इस लगाए गए लंगर में जतिन सेखड़ी, जतिन नंदा, राहुल अरोड़ा, विकास नंदा ने शामिल होकर लंगर वितरित करने की सेवा निभाई। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। चिंतपुर्णी लंगर सेवा कमेटी होशियारपुर की तरफ से सावन माह के मेलों के उपलक्ष्य में लगाए गए लंगर में विवेक भोपाल, भारती शर्मा, संजीव धीमान, राजेश कुमार ने शामिल होकर भक्तों में लंगर वितरित किया। इस अवसर पर कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्राचीन शिव मंदिर पिंड बबिया होशियारपुर की तरफ से सावन अष्टमी के उपलक्ष्य में चल रहे मेले के दौरान चौहाल डैम के नज़दीक लंगर लगाया गया, जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्यों एवं सेवादारों ने शामिल होकर लंगर बांटने की सेवा की। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। असीं 40 साल तो इत्थे लंगर लगा रहे हैं और लोगों के इन्ना उत्साह मैं नहीं कभी देखा जिन्ना इस साल इन्ना उत्साह वा लोगों के लोग लाइना च खलो के आप सेवा नाल कर रहे हैं, नाल लंगर खा रहे हैं और जगारे नाल माता रानी के जय दे बोल रहे हैं। जय माता चिंतपुर्णी सेवा मंडल टांडा की तरफ से सावन माह के मेलों के उपलक्ष्य में चिंतपुर्णी मार्ग पर भक्तों की सेवा हेतु विशाल लंगर लगाया गया। इस अवसर पर जय माता चिंतपुर्णी सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों ने शामिल होकर लंगर वितरित किया। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्री शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर जालंधर की तरफ से सावन अष्टमी के उपलक्ष्य में चल रहे मेले के दौरान चौहाल डैम के नज़दीक लंगर लगाया गया, जिसमें मंदिर के सेवादारों ने शामिल होकर लंगर वितरित करने की सेवा की। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। माता चिंतपुर्णी सेवा सोसाइटी लुधियाना की ओर से लगाए गए लंगर में सावन अष्टमी के उपलक्ष्य में चल रहे मेले के दौरान चौहाल डैम के नज़दीक लगाए गए लंगर में शामिल हुए रामा, मेघा, मनोज, धीर, सुभाष शर्मा, डॉक्टर प्रदीप काला, अश्वनी, सोनी, शिवम, सोनी सागर, गोपी, पवन, मोहित, राजू, मोनू ने माँ भक्तों ने लंगर वितरित करने की सेवा निभाई। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्री दुर्गा भजन मंडली भोगपुर की तरफ से सावन माह के मेले के उपलक्ष्य में चौहाल डैम के नज़दीक लंगर लगाया गया, जिसमें धर्मेंद्र अरोड़ा, दविंदर अरोड़ा, प्रमोद कुमार, कस्तूरी लाल, जगदीश कुमार ने मौजूद होकर लंगर वितरित किया। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। पंजाब अवार से भंडारा माँ चिंतपुर्णी का दुर्गा भजन मंडली भोगपुर अवार लगाया जा रहा है, जो माँ भगत की कृपा अटल प्रदान कर रहा है, उसकी कृपा चल रहा है और सारे भजन शुरू हो रहा है। मेला माता चिंतपुर्णी कमेटी मॉडल हाउस जालंधर की तरफ से सावन माह के अवसर पर चल रहे मेले के उपलक्ष्य में भक्तों की सेवा हेतु गगरेट नजदीक निःशुल्क स्कूटर मोटरसाइकिल सेवा कैंप लगाया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार, विशंबर दास बिल्ला, रमेश कुमार, बलविंदर संधू, राकेश जग्गी, गुरचरण सिंह, रवि कुमार, सोनू, शिव कुमार गुप्ता, सनी और हर्ष ने शामिल होकर भक्तों के मोटरसाइकिलों की निःशुल्क रिपेयरिंग कर अपनी सेवा प्रदान की। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। चिंतपुर्णी कमेटी मॉडल हो जलंधर वालों कैंप हर साल लगाया जाता है, यह साडा 23वां कैंप है जी। हर साल असी कैंप इतने लगाने हैं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, इन्हों का जो भी समान भी कोलों पा के दें, साइकिलों का जो भी टायर ट्यूब, मोटरसाइकिलों के ब्रेक लैदर, क्लच प्लेटा, जो भी आने वाले भगतों को जो भी दिक्कत आती परेशानी आती, वो असी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दें। साइवी माँ सर्विस कैंप माँ चिंतपुर्णी कमेटी वालों
ਤੇਈਵਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਟਾਇਰ ਟੂਬਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇਈਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਫ੍ਰੀ ਸਾਈਕਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪ ਮੇਲਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਟਿਵਾ ਪੈਂਚਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸਪੇਅਰ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਲਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਈਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਫ੍ਰੀ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕੈਂਪ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮਕਸੂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼ਿਵਬਾੜੀ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ HS ਕੁੱਕੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੋਲਾ ਭੋਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਮਧੂ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਜਲ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਤੁਲਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਭਕਤੋਂ ਮੇਂ ਲੰਗਰ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਪਵਨ ਕਨੋਜੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 28ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗਗਰੇਟ ਸ਼ਿਵਬਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਮਾਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੀਰ ਬੋਦਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਾਂ ਚਾਮੁੰਡਾ ਧਾਮ ਮੇਂ ਸਾਵਨ ਮਾਹ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੇਲੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵਿਅੰਜਨੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸੰਘ ਕੇ ਸਤਪਾਲ ਗੁੰਬਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਗੁੰਬਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਰੋਵਰ ਸਹਿਤ ਸਭੀ ਸਦਸਿਓ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਭਕਤੋਂ ਮੇਂ ਲੰਗਰ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੋਜੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਵਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ, ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ, ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ। प्राचीन काली माता मंदिर मार्केट मोता सिंह नगर की तरफ से प्रधान शशि शर्मा की देखरेख में सावन माह के अवसर पर चल रहे मेले के उपलक्ष्य में मां चामुंडा धाम में विशाल भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे को वितरित करने की सेवा विजय धर्मा सहित कमेटी के सभी सदस्यों ने निभाई। हिमाचल प्रदेश से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया, संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਸਿੰਗਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14ਵਾਂ ਮਾਂ ਚਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ STF ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋਂ ਕੋ ਕੀਆ ਕਾਬੂ, 11 किलो हेरोइन, 4 मोबाइल की है बरामद। अमृतसर की इंदिरा कॉलोनी में गत रात्रि जमकर चली हिट व पत्थर, चलाई गोलियां। मोगा पुलिस ने ATM को लूटने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को किया काबू, वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक LPG गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।